हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेसन नंबर 6 अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है अपना मृदा सारकता एवं लवणता का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव। पिछली क्लास में अपन ने लवण प्रभावित मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में बात किया था, जिसमें अपन ने दो प्रकार के वर्गीकरण पढ़े थे। कितने? दो प्रकार के वर्गीकरण। कौन कौन से? रासायनिक दृष्टि से 3 प्रकार, लवणीय, क्षारीय, लवणीय क्षारीय मृदा और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के अनुसार 2 प्रकार के लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा। उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। वे मृदा है जिसमें ईसी का मान कितना? 4 डेसी सिमोस मिडन वर्ष से ज्यादा, ईएसपी का मान 15% से कम और पीएस का मान 8.2 से क्या होता है? कम होता है। ऐसी मृदा कहलाती है लवणीय मृदा कहलाती है। किसके अनुसार? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के अनुसार। जबकि क्षारीय मृदा में ईसी का मान क्या रहता है? सीमा रहित, मतलब 4 से बहुत ज्यादा या 4 से बहुत कम, लिमिट में नहीं रहता। ईएसपी का मान 15% या इससे अधिक होता है, या तो 15% आएगा या इससे ज्यादा आएगा। जबकि पीएस का मान 8.2 या इससे अधिक आता है। ऐसी मृदा क्या कहलाती है? क्षारीय मृदा कहलाती है। और विशेषता इनमें अलग अलग तरह के क्या उपस्थित होते हैं? लवण उपस्थित होते हैं, राइट। तो ये अपना जो सेकेंड वर्गीकरण था उसके बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपने आज के टॉपिक की बात करते हैं, मृदा क्षारकता एवं लवणता का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव, दोनों पर प्रभाव की बात करें। क्या प्रभाव पड़ता है यदि अपने कृषि भूमि क्या होगी? लवणीय और क्षारकता उसकी बढ़ जाती है तो उस मृदा पर और उस मृदा में होने वाले पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए बेटा, सोडियम आयन, क्योंकि मैं बात कर चुका आपको, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम में से सबसे ज्यादा क्षारीय आयन कौन होता है? सोडियम आयन होता है। कौन होता है? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ने से क्या बढ़ता है? अनुनन। क्या हो जाता है? अनुनन। इसका मतलब है कि वहां पर सोडियम आयन ज्यादा हो जाते हैं, बाकी आयन कम हो जाते हैं। तो आयनों की कमी होना किसके सापेक्ष? सोडियम आयन के सापेक्ष। जिससे क्या होती है? मृदा संरचना खराब हो जाती है। मृदा की जो संरचना है, जो अपने स्तर पड़े थे, उनमें क्या जाती है? खराबी आ जाती है, वो बिगड़ जाती है। इसी कारण सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ जाने के कारण क्या, कौन सी क्रिया होती है? अनुनन। इसको बोलते हैं अनफ्लोकुलेशन। जिससे क्या होता है? मृदा संरचना खराब हो जाती है, उसके स्तर बिगड़ जाते हैं, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है भौतिक दशा खराब हो जाती है। भौतिक गुण जो अपन ने पढ़े थे, विसरण पढ़ा था, कोलाइड प्रकृति पढ़ी थी, ब्राउनी गति पढ़ी थी, टिंडल प्रभाव पढ़ा था, ये सारी चीजें जो होती है वो खराब हो जाती है। मतलब उनके जो भौतिक गुण होते हैं उनमें कमी आ जाती है। जिससे क्या होता है? भूमि कड़ी हो जाती है, कड़क हो जाती है। लवण अगर जम जाएंगे तो उसके ऊपर जो परत बनेगी वो क्या होगी? कड़क होगी। जिससे क्या होगा? वायु संचार में कमी आती है। अब कड़क भूमि होगा तो ऊपर से चलने वाली वायु उस मृदा में से नीचे नहीं जा पाएगी। उसकी अवशोषण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अपने क्या कहा? भौतिक दशा क्या हुई? खराब हो गई। भूमि क्या हो गई? कड़ी, कड़क हो जाती है। और वायु संचार की कमी आ जाती है, क्योंकि परत आपकी कड़क होने पर उसमें से वायु नहीं जाती, नीचे की सतह पर नहीं जाती, नीचे के स्तरों में नहीं जाती है। अतः जल का अवशोषण भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कई वर्षों पहले बाड़मेर में क्या हुआ था? बारिश हुई थी तो वहां पर गर्मी अधिक होने के कारण लवण की मात्रा क्या है मृदा में? ज्यादा है। और वो लवण पानी ज्यादा आने की वजह से क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने से उन्होंने क्या बना ली? एक कड़ी परत बना ली, कड़क परत बना ली, और उस वजह से वो पानी नीचे की सतह में नहीं जा पाया और वहां पर बाढ़ के हालात बहुत दिनों तक बने रहे, क्योंकि वहां पर सामान्य मृदा की अपेक्षा मृदा
कि जल अवशोषण क्षमता में कमी आ गई। तो अगर अपने यहाँ की मृदा 1000 लीटर पानी को अगर एक घंटे में अवशोषित करती है तो लगभग 6-7 घंटे में अवशोषित करेगी या कहीं ज्यादा टाइम में अवशोषित करेगी। तो इस तरह से लवण की परत जमा हो जाने के कारण क्या जाता है, वायु संचार में कमी और जल अवशोषण में कमी आ जाती है। अब अपन को पता है क्या बढ़ रही है, सारकता और लवणता। पीएच का मान क्या होगा, 7 से ज्यादा ही होगा, 7.5, 8.5, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14। तो पीएच का मान बढ़ने से क्या होता है, जो अम्लीय आयन है कौन से, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, MnF, ये क्या है, अम्लीय आयन है। तो पीएच बढ़ेगा तो कौन से आयन बढ़ेंगे, क्षारीय आयन बढ़ेंगे। कौन से बढ़ेंगे बेटा, क्षारीय आयन बढ़ेंगे। तो जो अम्लीय आयन है उनकी घुलनशीलता और प्राप्यता, मतलब इसको कहेंगे उपलब्धता, क्या कहेंगे बेटा, उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उपलब्धता कम हो जाती है, घुलनशीलता कम हो जाती है, क्योंकि क्या बढ़ गया, पीएच। पीएच क्यों बढ़ा, क्योंकि मृदा क्या होगी, लवणता और क्षारकता में वृद्धि होगी। तो पीएच का मान क्या होगा, 7 से ज्यादा। तो अम्लता क्या हो जाएगी, कम, मतलब अम्लीय प्रकृति के आयन कम होंगे, कम होंगे तो उपलब्ध भी कम होंगे, उपलब्ध कम होंगे तो घुलनशीलता भी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में आया ना, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट देखो। क्षारीय मृदा में बोरोन और मोलिब्डेनम, क्या नाम बोला मैंने, बोरोन और मोलिब्डेनम तत्वों की प्राप्यता बढ़ जाती है, जो कौन सी प्रकृति देते हैं, विषैली प्रकृति। कौन सी प्रकृति, विषैली प्रकृति, जिससे पौधे की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। पौधे क्या हो जाती है, मृत्यु, पौधा खत्म हो जाता है, मर जाता है कि नहीं, मतलब आई नहीं आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म जीवों की संख्या व क्रियाशीलता में कमी आती है। पीएच का मान बढ़ जाने से लवण या कहेंगे क्षारीय आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है आपका, सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पीएच का मान सूक्ष्म जीवों की सक्रियता उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रत्येक सूक्ष्म जीव एक निश्चित पीएच पर क्रियाशील सबसे ज्यादा होते हैं। तो पीएच का मान बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या व क्रियाशीलता में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर बात करते हैं लवणों की मात्रा बढ़ जाने के कारण, इसकी बात कर रहा हूं मैं, लवणों की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जड़ का परासरण दाब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, सुन लीजिए, ये अपने पास में पौधा है और ये पौधे की क्या है, जड़ है, और ये मृदा की क्या है, सत्व है। यहां पर क्या है, लवण है, क्या है, लवण। अब देखो इधर ये जड़े हैं, इन जड़ों में क्या बढ़ गया, परासरण दाब। क्यों, ऊपर से पानी नीचे आ गया पर नीचे से वापस पानी जा रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा, एक बार आ गया फिर लवण जमा हो गए, तो न तो नीचे से ऊपर जा रहा ना ऊपर से नीचे आ रहा, इस कारण से लवण बढ़े, जड़ में क्या बढ़ गया, परासरण दाब। क्या बढ़ गया, परासरण दाब, जिससे जड़ से पानी कहां चला जाता है, मृदा विलयन में, कहां चला जाता है, मृदा विलयन में। इनका परासरण दाब बढ़ेगा तो आपका जो जल है वो कहां जाएगा, मृदा की सतह पर, कहां जाएगा, मृदा की सतह, वो ऊपर से आ ही नहीं सकता, नीचे से ऊपर जा सकता है। क्यों, क्योंकि जड़ों क्या बढ़ गया, परासरण दाब, क्या बढ़ गया, परासरण दाब में वृद्धि हो गई। इस कारण से जड़ों का पानी कहां चला जाता है, मृदा विलयन में, और उसमें क्या हो जाता है, पानी कमी हो जाती है, जिससे वृद्धि क्या होती है, पौधे की कम होती है, और धीरे 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 पौधे पीले रंग के दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, पीले रंग के दिखाई देते हैं, और अंत में पौधे की मृत्यु हो जाती है, इसके कारण लवण की मात्रा बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है उपापचय क्रियाएं, क्या है, उपापचय क्रियाएं, ध्यान दो बेटा, उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अपचय और उपचय। आपको पता है पौधे अपना जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसके माध्यम से भोजन बनाते हैं, और उस भोजन क्रिया में उपापचय क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उसमें दो क्रियाएं होती है, छोटे अणु से बड़े अणु बनते हैं और बड़े अणु से छोटे अणु बनते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है, पीएच का मान है, वो सारे आपस में सहसंबंध होते हैं, उनके कारण ये क्रियाएं प्रभावित होती है,
बड़े अणु से छोटे अणु नहीं बनेंगे और छोटे से बड़े अणु नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी उपापचय क्रियाएं, अपचय और उपचय क्रियाएं क्या होगी, प्रभावित होगी, वो जिससे क्या होगा, पोषण में कमी आ जाएगी। क्या होगा, पोषण में कमी आ जाएगी और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी प्रभावित होगी, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी प्रभावित होगी। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मृदा सारकता एवं लवणता का मृदा के साथ साथ पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में अपन ने इन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।